आज तक डिजिटल बड़ी ब्रेकिंग। केंद्र सरकार ने 8 यूट्यूब चैनल्स पर लगाया प्रतिबंध। दुष्प्रचार फैलाने के आरोप में लगा प्रतिबंध। प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह। देखा आपने, छोटी सी न्यूज नहीं मेरे चीजों, ये बहुत बड़ा पैगाम है आने टाइम के लिए। और जब प्रभु मुझे आत्मा में ले जाता है तो वो बातें बताता है जिसको मैं भी नहीं सोच पाता, आप भी नहीं सोच पाओगे। हालेलुया। और फिर परमेश्वर मुझे प्रार्थना निवेदन भी दिया ये वाला कि शैतान कैसे वार कर रहा है मसीह पे, सब कुछ बताऊंगा। बहुत खास विषय, हर एक मसीह को देखना जरूरी है, शेयर करना है, प्रार्थना निवेदन है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता वचन, प्रार्थना संदेश सब तेरी ओर से हो पिता। और शैतान के सारे इन युक्तियों को, उसकी प्लानिंग को कैंसिल कर देना पिता। जो तेरा काम चल रहा है वो चलता रहे, बढ़ता रहे, और हम जानते हैं ऐसा होगा। कोई भी अंधकार की शक्ति आपके कार्य को नहीं रोक सकती पिता। यह टाइम के लिए आपने हमें बताया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। बिल्कुल मेरे दीदी, तो क्योंकि इस समय देखो प्रचार ऑफलाइन भी हो रहा है, ऑफलाइन का मतलब चर्चों में भी हो रहा है, लेकिन अधिकतर प्रचार इस समय ऑनलाइन हो रहा है। हम सब जानते हैं, जैसे चाहे वो मिनी प्रभु मिनिस्ट्री हो, चाहे वो अंकुल जी के हो, विजेंद्र पाशा, मिलियन मिलियन के हिसाब से प्रभु उन लोगों को लोग दे रहा है यूट्यूब पर। और शैतान को ये पता है कि लोग अब यूट्यूब के द्वारा रहे, क्योंकि एक इंसान एक चर्च में बैठकर 1,00,000 लोगों को प्रचार कर सकता है, लेकिन यूट्यूब पर तो अनगिनत लोगों को दे सकता है, चाहे वो फेसबुक के माध्यम हो, चाहे वो जूम मीटिंग हो। क्योंकि आप यूट्यूब को, ऑनलाइन मीटिंग को, इंटरनेट को परमेश्वर इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। और चाहे पहले भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि प्रभु ने बनाए इसलिए था, क्योंकि शैतान को पता है। अब शैतान कहाँ जाएगा, बहुत खास टॉपिक है, मैं फिर कहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। शैतान कहाँ जाएगा, उन लोगों पर जाएगा जिन पर इस दुनिया पर यानी कि प्रभु ने अधिकार दे रखा है, समझ रहे हो आप, जो यूट्यूब को बंद कर सकते। अभी हाल ही में, अभी कल परसों ही बात है, 8 यूट्यूब चैनल बंद करे। देखो टारगेट कुछ भी हो सकता है कि वो दुरुपयोग करते हैं, कुछ भी। देखो ये हमको पता है कि शैतान कुछ भी टारगेट करके बंद कर सकता है ना, लेकिन बात टारगेट की नहीं है, बात है कि अलर्ट प्लानिंग की। वो कोई भी यूट्यूब का चैनल, प्रार्थना का, बंद हो सकता है कुछ भी एलिगेशन लगा के। जैसे कि मसीह धर्म को क्या करते लोग कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, चर्च बंद करते, शैतान ये तो करते हैं, झूठी तो बोलते हैं, और शैतान झूठ का पिता है। तो प्रभु ने हमें वार्निंग दी है, अन टाइम ऐसा होगा, हमें कमर कसनी है और प्रार्थना करनी है बहुत ज़्यादा। इस टॉपिक के लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, चाहे उसमें 1 जना जुड़ा हो, चाहे 10,00,000 हो, परमेश्वर सबके चैनलों पर, यूट्यूब से लेकर ऑनलाइन मिनिस्ट्री, जहाँ पे आप जुड़े हुए हो, उस पर अपना बाड़ा बांधे। ये प्रार्थना दी है प्रभु ने मुझे, अभी बाड़ा बांधे ताकि शैतान उसको ना देख पाए। क्योंकि जब बाड़ा बांधता है तो शैतान कुछ नहीं कर पाता, और शैतान उन लोगों पर जाएगा जिस पर अधिकार है, समझ रहे हो ना। तो एक वचन दिया है प्रभु ने, देखो वचन भी कौन सा दिया है, मैं भी हैरान हूँ और आप भी हैरान हो जाओगे, जो पूरे बाइबल में से प्रभु ने वचन दिया है इस टॉपिक के लिए, शैतान कैसे यीशु मसीह से को गिराना चाहता है, उसके यीशु मसीह के राज्य को खत्म करना चाहता है किसी न किसी रूप में, क्योंकि शैतान का राज्य किसी न किसी रूप में आता है। लेकिन परमेश्वर महान है और ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमें सचेत रहना है, सावधान रहना है। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता वचन, प्रार्थना संदेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी चैनलों के लिए जो आपने यूट्यूब के दिए प्रार्थना के लिए, सब पे तेरा लहू और तेरा बाड़ा हो पिता, वचन के जो हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जैसे मिस्र पे यीशु मसीह ने लहू लगाया था मेमनों का, आपको पता है ना, जब विपत्ति आई थी और पैलेट में मरे गए थे, तो हमें परमेश्वर का लहू का इस्तेमाल करना है, हमें प्रभु के बाड़े का इस्तेमाल करना है, जैसे अय्यूब के जीवन में प्रभु ने बाड़ा बांधा था और शैतान उसको छू नहीं पाया था। हालेलुया। तो वचन प्रभु ने मुझे दिया है लूका और 4 अध्याय और उसका 5 पद से पढ़ूंगा। देखो लूका 4, यहाँ पे उपास, शैतान और यीशु मसीह की बातें, उपास यीशु मसीह ने रखे, लेकिन यहाँ पे बहुत डीपली बातें हैं, वही आज हो रही है। क्या है, लूका 4 अध्याय का 5वां वचन में लिखा है, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, शैतान क्या कहता है देखो, उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। जितना भी चकाचौंध है, पावर है ना, शैतान सोचता है वो मेरी है, लेकिन है तो परमेश्वर की। देखिए क्या है, इस दुनिया का जो शैतान है उस पर अधिकार है, अंधकार है, तो कुछ भी कर सकता है ना, भोले भाले लोगों को फंसा लेगा, मन गढ़त बातें, कुछ भी, कहीं भी कुछ भी कानून आ जाएगा, है ना, मतलब कहते हैं ना कि तानाशाही जिसे कहते हैं ना, वो चल रहा है। शैतान ऐसे तो करता है, बेगुनाहों को मारना, सब कुछ वो चल रहा है इस समय, लेकिन परमेश्वर हम सबके साथ है। अब वही कह रहा है शैतान भी कि मुझे अधिकार दिया गया है, और क्या लिखा है, इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह सब मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए क्यों, अब क्यों कह रहा है, अब शैतान का काम क्या है, देखो
इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। शैतान यीशु मसीह को, यीशु मसीह के मानने वाले को झुकाना चाहता है। चर्च बंद कर दो, प्रार्थना भवन बंद कर दो, किसी ना किसी टॉपिक पे लेकर, झूठ पर, फरेब पर, है ना, किसी ना किसी टॉपिक को लेकर बंद कर दो। चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, या कैसे भी हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, शैतान का काम है किसी ना किसी माध्यम से बंद करवाना और झुकाना, चाहे वो यीशु मसीह हो, चाहे यीशु मसीह के लोग हो। लेकिन हम परमेश्वर के संतान है, शैतान झुकेगा, हम नहीं झुकेंगे। हालेलुया। और आज तक शैतान ही झुकता आया है, वो हारा हुआ है, वो हार चुका है, और हम ये विश्वास करते हैं। बस हमें प्रार्थना की जरूरत है। अब ये नहीं है कि वो हारा हुआ है तो प्रार्थना ना करे, वो बेशक हारा हुआ है लेकिन फिर भी वो हाथ पैर जरूर मारता है। हमें प्रार्थना करनी, क्योंकि वो उन लोगों को पकड़ता है जिनकी लाइफ में प्रार्थना नहीं है। आज प्रभु ने बहुत अच्छा टॉपिक दिया है हम सबके लिए, मेरे अजीजों, हम सब मसीह लोगों के लिए, क्रिश्चियन के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। यह आपके हित के लिए भी है कि परमेश्वर काम बढ़ता जाए और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में सुपर ब्लेस आए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर का प्रणाम कर और केवल उसी को उपासना कर। तो मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का टॉपिक प्रभु ने मुझे दिया और ये बहुत चिंतित है, क्योंकि जब तक सरकार है कुछ ना कुछ मसीह विरोधी, कुछ ना कुछ ऐसे होता रहेगा। हमें अलर्ट रहना है, प्रार्थना रहनी है। हम वैसे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में सामर सकते हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। घुटने टेकना, प्रार्थना करना, अगर उपास रखते तो उपास जरूर रखना, हर एक मिनिस्ट्री के लिए, हर एक प्रभु के दास दास के। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता इस अद्भुत प्रकाशन के लिए, आपका धन्यवाद करता हूँ। वाक्य में शैतान गिराना चाहता है, आपके लोगों को तोड़ना चाहता है, नष्ट करना चाहता है आपके राज्य को, लेकिन आपका राज्य बढ़ता रहेगा पिता, हर दिन हर पल बढ़ेगा, क्योंकि ये आपका राज्य पिता। और शैतान कितनी भी कोशिश कर ले, शैतान कितनी भी दूतों को लिया है, योजना लिया है या प्लानिंग लिया है, वो सब धराशायी हो जाएगी, क्योंकि आपका राज्य बढ़ता है। मैं प्रार्थना करता हूँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मीटिंगों के लिए, मिनिस्ट्रियों के लिए, हर एक दास दासी के लिए, हर परिवार के लिए, कलीसिया के लिए बढ़ता जाए पिता। जितने भी सताव है उस पर तेरी दया, तेरी शांति हो और हिम्मत आपको सामर्थ्य और एक बाड़ा बांध दे पिता, हर एक चैलन के लिए, हर एक पेज के लिए, हर एक ऑनलाइन ऑफलाइन चर्च के लिए पिता, एक बाड़ा बांध दे पिता और लहू लगा दे हर एक पे पिता, ताकि शैतान ना देखे और जो उन पर हमला कर रहे हैं वो धराशायी हो जाए। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने प्रार्थना सुनी, ऐसा करके मैं विश्वास करता हूँ। और हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं एक मन होकर, और ये प्रार्थना का जवाब मिलेगा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको आशीषित करे। ये प्रार्थना को जरूर करनी है, ये संदेश हर जगह शेयर करना है। जय मसीह।